हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी लेवल्स और आज के दिन में क्या मोमेंटम रहा और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे तो प्राइस एक्शन किस तरह से रहा वो हम पहले चेक करेंगे और इम्पोर्टेंटली जो एक ऑप्शन ट्रेड हमने किया था वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मार्क किए थे, मार्केट आज एक ओपनिंग हमने बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे 9:15 को पहला एक बैरिश कैंडल देखने को मिला। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया था 28,812 के नजदीक, उसके बाद हमको स्लाइडली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। आप देख पा रहे हो कि मैंने एक स्क्वायर एक बनाया है रेक्टेंगल, यहाँ से ये जो एक सपोर्ट यहाँ पे एक देखने को मिल रहा था जो प्रीवियसली स्विंग था वहीं पे, ये एग्जैक्टली वही लेवल्स के पास यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फिर से हमको देखने को मिला। तो फिर हमने उस हिसाब से एक पता चल रहा था कि एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, तो वहां से हमको उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी में, काफी बढ़िया मोमेंटम रहा। तो उसमें अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो मैं ये जो हाई है छोटा कैंडल उससे हमको यहाँ से करीबन 400-450 पॉइंट का मूव हमको 450 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिला बैंक निफ्टी में आज मॉर्निंग में ही, जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम रहा। और जो हम उसमें एक अच्छा सा ऑप्शन ट्रेड भी हमको देखने को मिला जो मैं स्क्रीन पर मैंने उसका एक स्नैपशॉट भी डाला हुआ है जो एक ट्रेड है उसमें। और सिंगल लॉट से हमने इसमें ट्रेड किया था, उसमें कितना प्रॉफिट है वो भी आप देख पाओगे। और फिर उस हिसाब से फिर अच्छा मोमेंट रहा और प्रीवियसली जो हाई था वो लेवल्स उसने कोशिश किया टेस्ट करने की, बस उसके ऊपर नहीं गया और बाद में फिर से जो प्रीवियस जो सपोर्ट जो हमारा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था वहीं पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिखा और वहीं पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये कुछ आज का दिन का एक मोमेंटम रहा है। तो अभी हम मार्क करेंगे लेवल्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो मैंने पहले ही इसमें जो हाई है वो हम मार्क कर लेंगे पहले, इम्पोर्टेंट हाई बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग सेशन का हमको 29,132 के रेंज में दिख रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज हाई का एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट के बाद डेज लो की बात करें तो 28,561 है, 28,538 ये कैंडल पे हमको लो देखने को मिला, तो वो हम मार्क करेंगे 28,538 इम्पोर्टेंट डेज हाई एंड लो, मतलब ये लो का हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। अभी हमको देखना है कि कौन सा लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला, जो पॉइंट से मार्केट एक रिवर्स हुआ है जिसको ब्रेक किया है तो पहले हम वो देखेंगे। तो ऊपर में हमको ये डेज हाई के ऊपर यहाँ पे एक स्विंग का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर बिगर पिक्चर की बात करें तो हमको यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट स्विंग का हाई देखने को मिल रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमको यहाँ पे ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर कल रिटेस्ट करता है तो ब्रेक होके अगर मोमेंटम हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग में ही हम प्राइस रिजेक्शन दिखा, वही दिन में हमको फिर से प्राइस रिजेक्शन दिखा और फिर फॉल भी देखने को मिला। तो ये लेवल्स जो मैंने मार्क किया है वो स्पॉट लेवल पे है, 29,630 का एक स्पॉट बेसिस पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर, जिसको आप ध्यान में रखिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको जिस हिसाब से ये अच्छा मूव देखने को मिला, अगर उसका फिबोनाची लेवल भी हम चेक करें तो करीबन 61% का आज के दिन के लो के पास ही हमको देखने को मिल रहा है। उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो रहेगा ये स्विंग का सपोर्ट, तो उसको हम पहले मार्क कर लेते हैं और वो रहेगा 28,120 का लेवल है जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। ये लेवल्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। बुलिश बैरिश कैंडल्स हमको देखने को मिले इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास से, वहां से आप एक ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो या फिर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो जिस हिसाब से मार्केट में कुछ मूव देखने को मिलता है। और ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए और वीडियो यहाँ तक देखा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।